रसोई में आपका स्वागत है। आज हम पनीर भुर्जी बनाने जा रहे हैं। जो हमने 300 ग्राम पनीर लिया है और एक शिमला मिर्च, दो प्याज और थोड़ा सा ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और दो से तीन हरी मिर्च जो हम मतलब यूज करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। पहले हम प्याज और शिमला को कट कर लेंगे छोटा छोटा। इसको हम ऐसे छोटा छोटा क्यूब में कट करेंगे, ऐसे हम कट करके तैयार कर लेंगे सब्जियों को ये छोटे छोटे। प्याज हमने कट कर लिया, ऐसे ही हम ये टमाटर और शिमला हरी मिर्च भी कट कर लेंगे। सारी सब्जियां हमने कट करके रख लिया है। ये टमाटर जो बहुत छोटे टुकड़ों में काटा है, मिर्च जो है हमने तीन मिर्च काटी है, तो ये जो है खड़े खड़े पीस काटी है जिससे ज़्यादा तीखा ना हो। और ये पनीर को हमने कद्दूकस नहीं किया है, इसको मोटा मोटा तोड़ लिया है ये टुकड़ों में। कीमत जब ये टुकड़ों में थोड़ा सा रहता है तो ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए हमने इसको ग्रेट नहीं किया है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो हमने पहले गैस जला के कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें हम दो से तीन चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे, कोई भी तेल में बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या घी मक्खन किसी में। तो हम तेल और घर का बटर दोनों यूज करेंगे। तेल हमारा जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसी में एक चम्मच ये घर का मक्खन डालेंगे। जो घर में हम दही बना के ये मक्खन निकाला जाता है वो यूज करेंगे। इसका खट्टा स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। दोनों को मिक्स कर देंगे। और इसी में हम एक चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा जब चटकने लगेगा जीरा हमारा पक गया है, ये देखो पिंक कलर का हो गया, तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। और ये हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब प्याज का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसको हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसी में हम ये अदरक डाल देंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ये भी डाल देंगे। और डाल के एक मिनट तक पका लेंगे। इसको हमें बहुत ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट थोड़ा खराब हो जाएगा। अब इसी में हम टमाटर डाल देंगे, शिमला मिर्च जो है हम थोड़ा बाद में डालेंगे, इससे ये बहुत ज़्यादा ना डालें, क्रंची से रहते थोड़े से, तो वो बाद में डालेंगे जब टमाटर हमारा पक जाएगा।
और टमाटर डालने के बाद में हम थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे, जिससे ये टमाटर हमारे जल्दी पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। और गैस का फ्लेम धीमा करके इसको ढक देंगे, अब पकने देंगे इसको। तो इसको 2 मिनट बाद हम खोल के चेक कर लेंगे। टमाटर हमारे ये अधपके से हो गए हैं, तो इसी में हम ये शिमला डाल देंगे। और ये शिमला मिर्च के साथ ही हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तो ये हमने छोटी चम्मच से आधा चम्मच हल्दी डाला है, क्योंकि ये पनीर की सब्जी है, बहुत ज़्यादा हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का यूज करेंगे, और ये शिमला मिर्च जो है सॉफ्ट होने तक इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए, हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा टमाटर पक गया है, किनारे से ये देखो तेल निकलने लगा है। इसको हम अब हम मसाले डालेंगे। तो हम मसालों में डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच छोटी चम्मच, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और गरम मसाला का हम बाद में यूज करेंगे। ये बहुत थोड़े से मसालों के साथ में बनता है, और ये हम जो है ये 2 चम्मच जो है हमने वो ये 2 चम्मच जो है हम जो ये मैगी मसाला आता है तो उसका है, इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए हम और ज़्यादा मसाले नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो इसको हमने डाल दिया है, और डाल के मिक्स कर देंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे मसाले पकने तक। अब इसको खोल के हम 1 मिनट हुआ है चला देंगे, इसको बीच में हम चलाते रहेंगे। और इसमें जो है हम 1 कटोरी ये 3 से 4 चम्मच ये घर की मलाई जो है हमने निकाल लिया है, तो ये फेंट के रख लिया है, इसको भी डाल देंगे। तो इससे जो है इसका कलर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी नहीं होती, केवल कलर के लिए डाल रहे हैं। तो इसका भी हमने 1/2 चम्मच यूज किया है, ज़्यादा नहीं यूज किया है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। ये हमारी भुनी हुई है कसूरी मेथी, भून के हमने पीस के रख लिया है। ये हमेशा हमारे पास भुनी हुई तैयार रहती है, रख देते हैं, तो हमने उसी का यूज किया है। अगर ऐसे मतलब हो तो उसको तवे पे थोड़ा सा गर्म करके और फिर हथेली से रगड़ के यूज करें। अब इसको हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढक देंगे। और ये जो हम और थोड़ा सा ये 2 से 3 चम्मच जो है हम इसमें पानी डाल देंगे। अब ढक देंगे, अब हम खोल के चेक कर लेंगे। तो मसाले बिल्कुल हमारे ये पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया है, और सारे मसाले बढ़िया सी ग्रेवी हमारी बन गई है ये। अब इसको हम चाहे ऐसे ही पनीर, थोड़ा सा पनीर जो है
ये जो हमने फोड़ के रखा है, इसीलिए हमने ये फोड़ के रखा था, ग्रेट नहीं किया कि वो बिल्कुल हलवे जैसा हो जाता है। इसमें थोड़े थोड़े से टुकड़े रहेंगे और ये तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में, जब पनीर के पीस खाने में पड़ेंगे और ये मसालों में मिक्स तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो इसको हम अच्छे से मसालों से कोट कर देंगे। और इसको हम ऐसे भी पका सकते हैं 2-3 मिनट लिए, लेकिन अगर चावल के साथ में खाना है या मतलब ये तो हम थोड़ा सा ग्रेवी अपने मन पसंद ग्रेवी कर सकते हैं, तो इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी कर रहे हैं और पकने के बाद में वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको हम 2-3 मिनट तक ऐसे ढक के पका लेंगे। स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे तो इसमें जो है अच्छे से मसाले पक जाएंगे। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल आसान तरीके से घर के मसालों से बनके बहुत ही टेस्टी पनीर भुर्जी बनके तैयार। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के मिक्स कर देंगे और थोड़ी सी गार्निश करने के लिए रखेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, इसको फटाफट इसे 10 से 15 मिनट बनाने में लगते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। इसे चम्मच से निकाल, ये हमारी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनी है। ये हम नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ हर तरह से इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी कम मसालों के साथ में सब्जी बनी है। गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। अब हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे थोड़ी से। तो अगर ये हमारा पनीर भुर्जी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और हमको बताएं कि ये सब्ज़ी हमारी कैसी बनी एक बार बना के।